तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुड़हल लगाते ही आप एक दिन में अपने झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुड़हल लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। गुड़हल के फूलों से सौम्य शैम्पू बनाकर बालों को साफ करें। गुड़हल के ताजे फूलों को पीस कर लगाने से बालों का रंग सुंदर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक मुट्ठी गुड़हल की पत्तियां व फूलों को 100 मिलीलीटर नारियल तेल में उबाल कर ठंडा करें। इससे सिर की मालिश करें, बाल गिरने की समस्या दूर होगी और आपके बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। गुड़हल की पत्तियों को मेहंदी व नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाएं। ये बालों के लिए प्राकृतिक कंडीशनर है, साथ ही इसके प्रयोग से बालों में डैंड्रफ नहीं होता। 10 ग्राम गुड़हल की पत्तियों को पीस कर इसमें एक अंडा मिलाएं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों से सिर तक लगाएं। इस मिश्रण के नियमित प्रयोग से बाल खिल उठेंगे। बालों को लंबा करने के लिए गुड़हल की पत्तियों को आंवला पाउडर में थोड़ा पानी डालकर पीस लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर लगाएं, इससे बाल झड़ने की समस्या का अंत हो जाएगा। चावल के मांड में गुड़हल के फूलों का रस मिलाकर लगाने से दो मुहे बालों से निजात मिलती है। मेहंदी के साथ गुड़हल की पत्तियों को पीस कर लगाएं। मेहंदी का रंग अच्छा आएगा और मेहंदी के कारण बालों में ड्राइनेस भी आपको नहीं होगी। गुड़हल के फूलों में आयरन व विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। गुड़हल के फूलों से तैयार तेल को स्कैल्प पर लगाएं। इससे खुजली व लालिमा से राहत मिलेगी। गुड़हल की कुछ पत्तियों को पीस ले, इसमें आधा कटोरा दही मिलाएं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों पर आपको हल्के हाथों से लगाना है। अब एक घंटे के बाद सामान्य पानी से अपने बालों को धो लें, इससे आपके बाल नरम और मुलायम होंगे। इसके बाद बालों में गुड़हल का तेल लगाएं और नहाते समय माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे बाल काले व चमकदार रहते हैं। इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में एक बार जरूर करें। ताजे गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों के रस में बराबर मात्रा में नारियल या तिल या जैतून के तेल में पका लें। ठंडा होने पर इस मिश्रण को शीशी में भर कर रख लें। इस तेल की आप अपनी उंगलियों से जड़ों में मालिश करें। कुछ दिनों में बालों में चमक आएगी। मेथी के दानों को रात भर भिगो दें। सुबह गुड़हल की कुछ पत्तियों के साथ इसे पीस लें और इसमें थोड़ी सी छाछ मिला लें। इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद सामान्य पानी से धो लें। इससे रूसी की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आपने जाना कि कैसे गुड़हल बालों के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विथ मी।